Assalamualaikum. Today we will discuss very easy topic that is the dynamometer. Practical use की डिवाइस है. हम आप लोगों ने इसको मैट्रिक लेवल पे भी बहुत ज्यादा यूज किया होगा अपने प्रैक्टिकल के लिए. गैल्वेनोमीटर बेसिकली करंट डिटेक्शन डिवाइस है. इसकी आज डिटेल्स हम पढ़ेंगे. इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है ये देखना है हमने, और इसकी जो डेफिनेशन है वो जस्ट आप इतना भी बता सकते हैं कि डिवाइस यूज टू डिटेक्ट द करंट, बिल्कुल सिंपल वर्ड में. और वैसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को इसके लिए कि गैल्वेनोमीटर शायद जो है वो करंट मेजरिंग डिवाइस है. एक्चुअली इसकी लिमिट बहुत कम होती है और ये जस्ट किसी भी सर्किट में डिटेक्ट करता है कि करंट का फ्लो वहां पे है या नहीं. इसकी जो डिफ्लेक्शन है नीडल की, जो पिवट गैल्वेनोमीटर प्रैक्टिकली लैब में स्टूडेंट्स यूज करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे कि वो उसमें और जो भी गैल्वेनोमीटर कंस्ट्रक्शन हम पढ़े उनमें क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे. तो गैल्वेनोमीटर में आपके पास बेसिकली जस्ट करंट डिटेक्शन की एबिलिटी होती है. इसको मेजरमेंट के लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू एमीटर. इसकी कन्वर्जन भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देखना है. ये मेन डिवाइस है, इसी को हम एमीटर में, इसी को हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं टू मेजर द करंट और टू मेजर द वोल्टेज. तो बेसिक जो डिवाइस होती है वो गैल्वेनोमीटर होता है. फर्दर हम इसको कन्वर्ट करते हैं अपने पर्पजेज के लिए. लेकिन जस्ट गैल्वेनोमीटर बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको याद रहे कि टू डिटेक्ट द करंट, ये मैं ज्यादा हायर वैल्यूज ऑफ करंट को मेयर नहीं कर सकता, आउट ऑफ स्केल चला जाता है और सिर्फ जो है वो इनिशियल वैल्यूज जो है वो मेयर कर सकता है. इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग जो है वो हमने देखना है यहाँ पे वर्किंग का, इसका मेथड क्या है. इसी तरह मेथड जो फर्दर टू के इसके अंदर टू मेथड है, इसमें आप लैंप स्केल मेथड के थ्रू यानी कि लाइट यूज कर देख सकते हैं कि इसका जो डिफ्लेक्शन एंगल है थीटा, जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि करंट की वैल्यू कितनी है, करंट है या नहीं है. लैब स्केल मेथड से भी हम कर सकते हैं, दो मेथड हम इसमें. और पिवटेड गैल्वेनोमीटर, पिवटेड गैल्वेनोमीटर वो है जो आप लैब्स में यूज कर चुके हैं मेट्रिक लेवल पे. इसमें फर्क सिर्फ ये होता है कि लैब स्केल में लाइट का डॉट जो है स्केल के ऊपर मूव करता है, और पिवटेड गैल्वेनोमीटर में हम एक सॉफ्ट नीडल का यूज करते हैं, आयरन नीडल का जो मूव करती है स्केल के ऊपर, और हम उससे रीडिंग देख सकते हैं. तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर. डेफिनेशन आपको मैंने बता दी है इसकी, फिर इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने जो एक टॉपिक इससे पहले पढ़ा था करंट कैरियिंग जो है टॉर्क, उसका टॉपिक था कि टॉर्क इन करंट कैरियिंग कॉइल और लूप. तो इसके अंदर हम कॉइल का जो यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लूप, उसी कॉइल का जो मेन फंक्शन है वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल वही है. जैसे आपकी करंट कैरियिंग कॉइल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल वही उसी का यूज यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में होता है. उसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपने देखा था करंट कैरियिंग लूप में प्रोड्यूस होता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर भी एक डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस होता है. यहाँ पर ये इसकी आपको कंस्ट्रक्शन अभी हम पढ़ेंगे इस फिगर की हेल्प से. तो मेन वर्किंग प्रिंसिपल इसका वही है, करंट कैरियिंग कॉइल के थ्रू जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है इसमें भी डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और फिर इसके अंदर हम रीस्टोरिंग टॉर्क को भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे. लेकिन पहले हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देखनी है, बहुत ही सिंपल और इजी है. जस्ट आपने अपने माइंड में पॉइंट वाइज याद रखना है. फर्स्ट पॉइंट कि यू नीड टू प्रोवाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द परमानेंट मैग्नेट. ये देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और यहाँ पर ये जो कर्व आपको ये शो हुआ है, ये जो आप पोल्स बनाते हैं स्पेसिफिकली गैल्वेनोमीटर के परमानेंट मैग्नेट के लिए, ये पोल्स जो होते हैं ये कर्व शेप में होते हैं. वैसे तो हॉर्स यू मैग्नेट होता है, यू शेप का होता है, लेकिन इसके ये जो पोल्स हैं इनको हम शेप देते हैं कनकेव की. ये कनकेव शेप इसे बोलते हैं, ये जो यहाँ पर शेप दी है कनकेव शेप का पर्पज ये होता है कि ये देखें ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. ये कनकेव शेप परमानेंट मैग्नेट की जो देने का पर्पज ये होता है कि आप इसके इनसाइड जब कॉइल रखें तो वो एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे 3D कोई भी चीज होती है कि हर तरफ से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड हो सर्कल में रेडियस की फॉर्म में, आपके इस कॉइल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए हम कनकेव शेप पर यूज करते हैं पोल्स का, और परमानेंट मैग्नेट के जो पोल्स हैं उन्हें ये शेप देते हैं. इस वजह से ये आपको यहाँ से कर्व नजर आ रहे हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से ये मिसिंग है पोल, बल्कि ये जस्ट एक कनकेव शेप दी हुई है टू प्रोवाइड द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल. ठीक है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. फिर हम जैसे आपको कहा कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग इसका टॉर्क ऑन द करंट कैरियिंग कॉइल या लूप का प्रिंसिपल ये यूज करता है, तो उसके लिए आप कॉइल को इनसाइड दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करते हैं. ये आपका जो आपका ये जो लूप है यहाँ पे कॉइल का, ये देखेंगे ये स्क्वायर शेप लूप, इस लूप को कॉइल लूप को आपने यहाँ अटैच किया होता है. यहाँ पर ये एक फॉस्फोरस ब्रॉन्ज रिबन आप इसे बोल सकते हैं,
इस रिबन के थ्रू यहाँ पर बीच में एक मिरर लगा होता है और इस मिरर को आपने फर्दर यहाँ इन साइड द कॉइल आयरन कोर प्रोवाइड की होती है। ये सिलेंडर शेप जो आपको मटेरियल नजर आ रहा है ये आयरन है, ये आयरन कोर फर्दर कनेक्टेड होता है स्पाइरल शेप अनदर स्प्रिंग के साथ। ये जो ब्रॉन्ज रिबन होता है यहाँ फॉस्फोरस ब्रॉन्ज रिबन, ये तीन मेटल से मिलकर बना होता है कॉपर टिन एंड फॉस्फोरस। इसमें कॉपर के साथ टिन और फॉस्फोरस का बहुत ही थोड़ा सा मटेरियल मौजूद होता है और ये एज अ स्ट्रॉन्ग कंडक्टर एक्ट करता है। और ये जो टॉर्शन है T1 एंड T2 है ये आउटवर्ड प्रोजेक्ट किए होते हैं केसिंग से गैल्वेनोमीटर के बाहर, जहाँ पे दिखा होता है ब्लैक एंड रेड कलर से टर्मिनल शो हुए होते हैं जिनको हमने सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड नेगेटिव के फॉर्म में मीन्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करना होता है। इसको भी हम इसके इन टॉर्शन हेड्स को भी हम इसका पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर करते हैं और ये पॉजिटिव नेगेटिव हम पावर्ड बायसिंग के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव टू द बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और नेगेटिव नेगेटिव टू द बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। ये दोनों टॉर्शन हेड बेसिकली आउटवर्ड प्रोजेक्टेड टर्मिनल हैं जो हमें गैल्वेनोमीटर की केसिंग से बाहर नजर आते हैं, जिनके थ्रू हम इनका कनेक्शन करते हैं गैल्वेनोमीटर का इनटू एनी सर्किट। ये आप अपने सेकेंड ईयर की प्रैक्टिकल वर्क के अंदर भी इसका यूज करेंगे इसी तरह से। आपको ये इनर जो है वो सारा पोर्शन ये बंद होता है एक इंसुलेटिंग आप कह सकते हैं केसिंग के अंदर। तो यहाँ मैं आपको बता दी थी कि आपके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंकेव शेप मिरर के थ्रू होगी जस्ट प्रोवाइड द रेडियल फील्ड यानी पूरा रेडियाइज पूरे कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ सके। फिर ये दोनों टॉर्शन जो हेड्स हैं ये प्रोजेक्टेड आउटवर्ड टू कनेक्ट द एक्सटर्नली इन द सर्किट और ये इनसाइड मिरर है। इसका फंक्शन मैं आपको बताती हूँ, लैब स्केल में इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है इस मिरर का अगर हम लैब स्केल मेथड यूज करते हैं। अदरवाइज पिविटेड में मिरर की बजाय यहाँ पर हम एक सॉफ्ट जो नीडल है आयरन शाफ्ट की फॉर्म में उसको प्रोजेक्ट करते हैं ताकि वो स्केल के ऊपर मूव कर सके। तो यहाँ पर जो आपका ये वाला कॉइल है इसके अंदर ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया कि इस आयरन का क्या पर्पज है कि जो आयरन कोर हम इसके अंदर फील करते हैं इसका पर्पज ये है कि जब इन टॉर्शन हेड्स में जब बैटरी के थ्रू करंट आए आपकी गैल्वेनोमीटर के अंदर तो ये जो आपका आयरन कोर और ये लूप है कॉइल का लूप इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो इनसाइड आयरन जो है वो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है तो आयरन बेसिकली ये बाहर वाले कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको ये इंटेंसिफाई करती है क्योंकि आयरन जो है वो जल्दी मैग्नेटाइज होता है। आयरन में बेस्ट कंडक्टर है, करंट भी जल्दी फ्लो करेगा और फौरन ये मैग्नेटाइज भी हो जाएगा बिकॉज एक्सटर्नल के अलावा जब आपके कॉइल में करंट फ्लो करता है तो आपका जो कॉइल होता है वो खुद का भी एक मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा हुआ है कि वो जनरेट करता है उसी मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल के इंटरेक्शन की वजह से टॉर्क की प्रोडक्शन होती है। इसके लिए हम एक रिलेशन भी डिराइव कर चुके हैं NIBA cos alpha के नाम से जो आपकी बुक में भी मेंशन है। तो यहाँ पे आयरन कोर का क्या पर्पस होता है कि बेसिकली आपका आयरन कोर इस कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड को और ज्यादा इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंस करता है ताकि यहाँ पे जो टॉर्क है गैल्वेनोमीटर आपका सेंसिटिव बन सके। कॉइल आपका अपनी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग हो कि एक्सटर्नल के साथ इंटरेक्ट करके वो फौरन जैसे ही करंट आए उसको डिटेक्ट कर सके। इसलिए हम कहते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट सेंसिटिव डिवाइस है। जैसे ही इसमें करंट फ्लो करता है फौरन उसके नीडल आपने देखा होगा अगर मेट्रिक में आपने यूज किया कि फौरन नीडल आउट ऑफ द स्केल चला जाता है। तो उसके बाद हम कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते थे उसकी एंगल को रेंज में लेकर आने के लिए यानी कि थीटा की जो वैल्यूज है बेसिकली इसका जो रेडियल स्केल के ऊपर एंगल रिफ्लेक्शन उसको थीटा बोलते हैं। जो नीडल की रिफ्लेक्शन होती है वो आपका एंगल थीटा की फॉर्म में ही हम लेते हैं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है कि इसके अंदर आपके पास परमानेंट मैग्नेट नंबर वन थिंग, सेकंड आपके पास करंट कैरी थ्रू जो आप दो टॉर्शन हेड की हेल्प से यहाँ पर इनको प्रोवाइड करते हैं और आयरन कोर का पर्पज ये होता है कि ये इसकी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को इंटेंसिफाई कर सके। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है और वर्किंग में इसका यही है कि जैसे ही आप यहाँ से करंट प्रोवाइड करते हैं आपका ये कॉइल जो है इस अपने इंटरनल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल के इंटरेक्शन की वजह से आपका कॉइल मूव करता है और इसमें डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिसकी आपने जिसका रिलेशनशिप आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये उसका रिफ्लेक्शन आपके पास ये उसका रिलेशनशिप है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का NIBA cos alpha और कपल प्रोड्यूस होता है ये हम अपने करंट कैरिंग कॉइल जो है टॉर्क वाला टॉपिक उसमें टॉर्क इन करंट कैरिंग लूप में ये चीज हम डिराइव कर चुके हैं। इसमें एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल है। आपके पास आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ए इज द एरिया, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉस अल्फा, अल्फा इज द थीटा एंगल है आपके पास, अल्फा इज द एंगल। तो जब आप इसको इस तरह से रखते हैं आपके पास जिस तरह भी आपने यहाँ एंगल आपका प्लेन ऑफ अल्फा जो है वो एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड है। ये कॉइल है इसका प्लेन और ये जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है
आप इस तरह की जब अरेंजमेंट करते हैं तो प्लेन ऑफ कॉइल और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे बिकम पैरेलल टू ईच अदर, इसलिए अल्फा जो है यहाँ पर जीरो होता है, और कॉस जीरो आपको पता है वन होता है, तो आपका जो रिफ्लेक्टिंग टॉर्क आता है वो आ जाता है टॉर्क इक्वल टू एन वी आई ए। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है कि आपकी यहाँ पर क्योंकि ये आपका जो फास्फोरस ब्रॉन्ज रिबन है इसके थ्रू कॉइल हैंग हुआ होता है इन साइड द गैल्वेनोमीटर, इसकी ये जो हैंगिंग पोजिशन है इसकी वजह से जब आपका इसके अंदर रिफ्लेक्शन टॉर्क आता है तो इस स्ट्रॉन्ग इंटेंसिफाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपका कॉइल पूरा घूमने की बजाय वो वापस अपनी जगह पे आना चाहता है, तो इसका अपना एक टॉर्क जो है वो भी जनरेट हो जाता है किसी आयरन कोर और कॉइल की वजह से, इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कनेक्शन की वजह से। तो वो जो टॉर्क है आप जब इसमें रिफ्लेक्शन टॉर्क का मैंने आपको बता दिया कि वो तो जनरल है कि जैसे ही करंट फ्लो किया एक्सटर्नल और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी और कॉइल घूम जाएगा मूव करेगा तो वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्ट होता है हमारा कॉइल, लेकिन इस आयरन कोर की प्रेजेंस की वजह से आपका जो कॉइल है वो वापिस अपनी जगह पे आना चाहता है तो उस टॉर्क को हम कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। मीन कॉइल इस बजाय इसके कि उसके फ्लो की वजह से प्रॉपर इसी तरह इधर घूमना शुरू हो जाएगी, जो सस्पेंशन है वो जंबल अप हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए फिर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क इस रिबन की हैंगिंग पोजिशन की वजह से कॉइल के विद रिबन एक टॉर्क और जनरेट होता है जिसको आप बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, कि वो कॉइल को वापस अपनी जगह पर लेकर आ सकते हैं क्योंकि फील्ड बाहर वाला रेडियल है तो पूरा घूमने के बजाय इसका अपना जो फील्ड इंटेंसिफाइड फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटरनल वो क्या करता है कि रीस्टोरिंग टॉर्क के थ्रू कॉइल को वापस अपनी पोजिशन पे लेकर आता है। यहाँ दो टॉर्क की इन्वॉल्वमेंट होती है गैल्वेनोमीटर के अंदर, एक तो रिफ्लेक्शन टॉर्क जो आपका करंट टॉर्क ड्यू टू अ करंट कैरी कॉइल के कॉन्सेप्ट से आया, और सेकंड इसका होता है रीस्टोरिंग टॉर्क कि आपका कॉइल चाहता है कि वो अपनी जगह पर वापस जाए। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप गैल्वेनोमीटर को ऑन करते हैं उसकी नीडल जो होती है वो थोड़ी देर फ्लिकर करती रहती है, अपनी जगह पे रोटेट करती रहती है और फिर थोड़ी देर के बाद जाकर वो स्टेबल हो जाती है, वो पॉइंट होता है जिसमें आपका डिफ्लेक्शन एंड आपका रीस्टोरिंग टॉर्क दोनों इक्वल टू ईच अदर आ जाते हैं। तो रीस्टोरिंग टॉर्क बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द एंगल थीटा कि किस एंगल के साथ वो वापस आना चाहती है आपकी कॉइल, थीटा एंड सी इज द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है तो टॉर्क ये रीस्टोरिंग टॉर्क का फंक्शन है। आपके पास इसकी मीन इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो सी थीटा है, सी जो है वो आपका ट्विस्ट जो लेती है आपकी कॉइल वापस आने के लिए, जो रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट सी से रिप्रेजेंट करते हैं इट इज अ कांस्टेंट फॉर द गैल्वेनोमीटर, और इसे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट भी आप बोल सकते हैं, थीटा इज द एंगल जिसके साथ वो आपकी स्ट्रिप जो है वो ट्विस्ट लेती है वापस घूमती है। तो ये आप यहाँ देखें ये वो वाला कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो मैंने भी आपको बताया कि आपके पास थोड़ी देर के बाद स्टेबल हो जाती है आपका डिफ्लेक्शन टॉर्क और आपका जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाता है और जो बाहर मेन स्केल के ऊपर गैल्वेनोमीटर के नीडल है वो इक्वल हो जाती है या वो स्टेबल हो जाती है, तो उसके लिए आपके दोनों टॉर्क वहाँ इक्वल हो जाते हैं। ये आपका रिफ्लेक्शन टॉर्क है, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इक्वल पोर्ट कर सकते हैं, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है। यहाँ से हम करंट का रिलेशनशिप निकालें अगर तो सिंपल करंट को आप इधर ही पड़ा रहने दें और ये जो एन बी ए का प्रोडक्ट यहाँ करंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो सी थीटा के साथ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इस पूरे रिलेशनशिप में सी इज अ गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट होते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर, एरिया ऑफ कॉइल भी कांस्टेंट होता है एंड प्रोवाइडेड मैग्नेटिक फील्ड वंस आपने अरेंज कर दिया वो भी आपका कांस्टेंट होगा। इसमें जो चीज आपकी चेंज होती है वो होती है आपका थीटा यानी कि एंगल, आपका जो लार्ज स्केल रिफ्लेक्शन या स्मॉल ये एंगल ये जो थीटा होता है ये डिसाइड करता है, जैसे ही आप गैल्वेनोमीटर को सर्किट में कनेक्ट करते हैं फौरन उसकी नीडल जो मूव करती है समटाइम आउट ऑफ स्केल हम कहते हैं चलेगी 30 उसके ऊपर डिवीजन होती है उससे बिल्कुल बाहर चली जाती है तो उसको फिर हम कुछ रेजिस्टेंस देखते उसे थीटा 30 पे लाते हैं। फिर फर्दर इस तरह के आपने हाफ रिफ्लेक्शन मेथड का प्रैक्टिकल शायद आपने अगर परफॉर्म किया है मैट्रिक्स लेवल पर तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, उसमें हम रेजिस्टेंस पिक कर लेते हैं और उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं इसके करंट को तो ये 30 पे आता है, फिर और प्रोवाइड करते हैं तो वो बैकवर्ड जाना शुरू हो जाती है नीडल। तो बेसिकली आपका ये जो करंट है ये डिपेंड कर रहा है इस डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल जो थीटा की फॉर्म में हो रही है इस एंगल थीटा के ऊपर। तो अगर आप अपने गैल्वेनोमीटर को ज्यादा सेंसिटिव बनाना चाहते हैं कि आप जैसे ही ऑन करो एक माइन्यूट या माइनर करंट के थ्रू फौरन ही थीटा आपका आउट ऑफ स्केल हो जाए या थीटा मैक्सिमम हो जाए उसके लिए हमें ये फैक्टर सी एंड ए बी इसे हमें स्मॉल करना होता है, इसको रिड्यूस करना होता है इस फैक्टर को। ये जो तीन कांस्टेंट है चार सी एन ए बी इस पूरी रेशियो को आपको स्मॉल करना होता है ये यहाँ पे मेंशन भी है। तो इस तरह से आपका गैल्वेनोमीटर वर्क करता है और इसमें करंट
जो है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्शन से डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, जितना सेंसिटिव फील्ड मैनोमीटर होगा उसी तरह माइनर करंट से भी आपका थीटा एकदम जो है वो मैक्सिमम स्केल आपका आ जाएगा मैक्सिमम। तो अब यहाँ पर ये जो अरेंजमेंट आपके सामने शो हो रही है ये लैम्प स्केल अरेंजमेंट है। क्लास आपको पहले भी जो अभी मैं आपको फिगर दिखा रही थी उसमें यहाँ पर आपके जो मिरर है उसका पर्पज हमने डिस्कस नहीं किया था। एक्चुअली मिरर का मेन पर्पज लैम्प स्केल मेथड में होता है, उसमें आपकी जो प्रीवियस मेन फिगर है उसमें इस जगह पे टॉर्शन हेड के साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मीन्स ये वही सारी अरेंजमेंट है, ये कॉइल है, ये उसका जो है टी टू हेड है जिससे वो प्रोजेक्ट आउट होता है जहां से हम कनेक्ट करते हैं, ये उसका अपर टॉर्शन हेड है। तो आप ये समझ लें कि ये वही सेंट्रल पोर्शन है जो भी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आप इसमें कंफ्यूज आप नहीं हो कि ये उलट है, ये बिल्कुल इस तरह, ये सिर्फ अरेंजमेंट उसने दूसरी तरह दिखाई भी। ये यहाँ पे जो मिरर है आप ये देखें, इस मिरर के आप ये समझ लें कि उसमें आपका ये मिरर और ये सोर्स, यहाँ पे उसने लाइट और स्केल दिखाया होगा, ठीक है। ये मिरर एज इट इज है और इसके इस साइड पे यहाँ सोर्स रखते हैं और यहाँ पे स्केल लगा होता है। बाहर जो मेन आपकी केसिंग होती है गैल्वेनोमीटर की, उस पे जो स्केल आपका स्केल पे जिसमें नीडल मूव कर रही होती है या आपके लैम्प स्केल मेथड में लाइट स्पॉट मूव कर रहा होता है, वो सिर्फ बाहर नजर आ रही होती है। यहाँ इन साइड क्या होगा, मिरर के इस साइड पे आपका लाइट सोर्स होगा लैम्प और यहाँ पे स्केल होता है। उसमें मैं आपको फिगर की हेल्प से बताती हूँ, आपको अब समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं अपनी फिगर के अंदर, ये देखें अब मिरर के इस साइड पे यहाँ पे जो लाइट सोर्स है ये डायरेक्टली आपने पॉइंट की होती है ऑन द मिरर। आपको पता है कि मिरर की सर्फेस रिफ्लेक्टिंग होती है, तो यहाँ से इसके सामने ऊपर हम यहाँ पे स्केल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका कॉइल घूमता है तो आपकी लाइट सोर्स जो प्रोजेक्ट कर रही होती है मिरर को, तो मिरर भी आपका मूव करता है, उसकी मूवमेंट की वजह से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक जब होती है तो जिस तरह कॉइल आपका रिफ्लेक्शन टॉर्क या रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव करता है, वैसे वैसे लाइट का जो डॉट है स्पॉट की फॉर्म में वो रिफ्लेक्ट होता है ऑन द स्केल। यहाँ पे आपने 1 मीटर की डिस्टेंस से स्केल प्रोजेक्ट किया होता है, स्केल लगाया होता है, मिरर जहाँ पे होता है उससे 1 मीटर का डिस्टेंस आप रखते हैं। ये जो है आपका प्रैक्टिकली लैब में ये हम गैल्वेनोमीटर का इसका यूज हम नहीं करते, हम पिवेटेड गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं क्योंकि उसका तो छोटा सा स्केल होता है, उसमें 1 मीटर का डिस्टेंस हम नहीं बना सकते। तो ये सिंपल है, वैसे ही जनरली आप जो लैब स्केल मेथड है उसके लिए क्या 1 मीटर पे स्केल और लाइट इसके मिरर पर प्रोजेक्ट कर दें उसके लिए होता है ये। तो उसमें क्या होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर स्केल पर स्पॉट की फॉर्म में इस तरह मूव करती है, जैसे जैसे मूव करती है इसकी रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे स्केल पे नोट कर सकते हैं कि ये कितना थीटा मूव कर रही है। ये लैम्प स्केल मेथड है। और दूसरा जो आपके पास एक जो प्रैक्टिकल यूज में है, ये इसकी यहाँ पे सारी डिटेल है आपकी बुक के अंदर, और जो प्रैक्टिकल यूज में हम लैब्स में यूज करते हैं वो पिवेटेड गैल्वेनोमीटर होते हैं। पिवेटेड गैल्वेनोमीटर लेबोरेटरीज में इनका यूज है और बहुत सिंपल है, बाकी सारी अरेंजमेंट और फंक्शन बिल्कुल वही होता है, जस्ट यहाँ पे टॉर्शन हेड से प्रोजेक्शन आउट करने की बजाय इसमें हम यहाँ पर ये जो मेन कॉयल के साथ यहाँ पर इस कॉयल के जो मेन टर्मिनल हैं ये 2 बियरिंग्स के बिटवीन, ये यहाँ पे बियरिंग्स होते हैं इनके साथ अटैच होते हैं, ये ज्यूल्ड बियरिंग है, लेकिन इन बियरिंग्स के साथ हम अपने कॉयल का सेंट्रल पोर्शन एक तरह से फिक्स करते हैं जैसे हम किसी भी चीज को मेन पोजीशन देते हैं कि जिसके अराउंड वो रोटेट कर सके। तो ज्यूल्ड बियरिंग के साथ ये सेंटर से कॉयल ज्वाइन होता है और मेन जहां से हमने बाहर सर्किट में जो टर्मिनल जो पॉजिटिव ब्लैक और रेड की फॉर्म में आपको लैबोरेटरी जो आपका गैल्वेनोमीटर है लैब में जो यूज करते हैं उसमें जो आपको बाहर प्रोजेक्टेड टर्मिनल नजर आते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव मार्क होता है और आप उसको सर्किट में फॉरवर्ड बायस करते हैं, वो बेसिकली हेयर स्प्रिंग के थ्रू होते हैं। ये हेयर स्प्रिंग है, यहाँ पर हेयर स्प्रिंग इस तरह से होता है, स्मॉल बिट की आपके पास एक मेटालिक स्ट्रिप होती है जिसे यू रोल किया होता है, मेटालिक स्ट्रिप को एल्यूमिनियम या इस तरह की, तो वो हेयर स्प्रिंग होता है, ऐसे गोल गोल स्ट्रिप को मूव करके उसे यहाँ से बाहर प्रोजेक्ट आउट किया होता है। ये T1 एंड T2 टर्मिनल होते हैं जो सर्किट में हम एज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूज करते हैं, बाकी सारा फंक्शन वही होता है। और एक और चीज जिसमें ये होता है कि हम मिरर की बजाय कॉइल के सेंट्रल पॉइंट पे हमें एक सॉफ्ट आयरन शार्प पॉइंटर जो है वो लगाते हैं, जिसको पिवटेड का मीनिंग ये होता है कि किसी एक फिक्स पॉइंट पे आप कोई पॉइंटर या कोई सॉफ्ट आयरन शार्प जो है वो आप प्रोजेक्ट करते हैं ताकि जब ये कॉइल घूमे, जब ये कॉइल घूमता है तो ये पॉइंटर भी घूमता है और इस साइड पे स्केल होता है जो बाहर हमें नजर आ रहा होता है। इसका गैल्वेनोमीटर जो लैब में होता है सेंटर में जीरो होता है और इस साइड पे मैक्सिमम और नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं राइट एंड लेफ्ट की तरफ। तो आप जैसे ही इसे सर्किट में ऑन करते हैं आपका पॉइंटर जीरो पे आना चाहिए, उसके बाद अगर आप रेजिस्टेंस देते हैं या कोई भी उसका हाफ रिफ्लेक्शन मेथड के जैसे हम प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं तो उसमें फिर ये नीडल मूव करती है राइट को या लेफ्ट को। तो
यहाँ पर जस्ट यही चेंज होता है, जो लैब के आपके गैल्वेनोमीटर होते हैं पिवेटेड, उनमें ये पॉइंटर फिक्स होता है, और इस तरह से ये सारा कवरिंग के अंदर होता है और सिर्फ ये टर्मिनल दो बाहर हमें नजर आते हैं, और उसके ऊपर जो स्क्रीन टाइप होती है डिस्प्ले, उसके ऊपर हमें ये पॉइंटर और ये स्केल नजर आता है। तो जैसे ही आप सर्किट में रेजिस्टेंस का चेंज करें या कोई भी चेंज करें तो हमारा पॉइंटर से हम मूव करता है, तो ये भी थीटा की फॉर्म में होती है। इस पॉइंटर के ऊपर ये जो मार्किंग होती है इनको भी हम एज अ थीटा लेते हैं डिफ्लेक्शन को। आई होप क्लास आपको लेक्चर समझ आया होगा, ये कम्प्लीट आपका हो गया यहाँ पे अबाउट द गैल्वेनोमीटर। आई थिंक आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।